दोस्तों अभी जो अपने सामने ये बाइक है ये दोस्तों बजाज पल्सर 125 जो कि न्यू एन एडिशन है 2024 का। इस वीडियो में दोस्तों हम देखेंगे कि इस बाइक की परफॉर्मेंस क्या, साथ ही में ये भी देखेंगे कि 20,000 रुपये की डाउन पेमेंट देकर इसको कैसे खरीद सकते हैं, आपकी ईएमआई क्या बनेगी, बाकी सर्विस कॉस्ट भी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपना ये वीडियो। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब मुझे कमेंट में बताना। बाकी दोस्तों आज के इस वीडियो में अपने सामने बजाज पल्सर 125 न्यू एडिशन है जिसमें आपको आगे की साइड मिल जाएगा डिस्क, बैक की साइड मिल जाएगा डैम। तो दोस्तों बात करते हैं बाइक की परफॉर्मेंस की। इस बाइक में जो इंजन आएगा दोस्तों वो है 124 सीसी का एमिशन टाइप BS6 2.0 के साथ में ये बाइक है। बाकी पावर की बात करें दोस्तों इस बाइक में मिल जाएगी 12 PS की। टॉर्क इस बाइक में दोस्तों 11 Nm का टॉर्क दिया गया जो कि 6500 RPM का ये टॉर्क बाइक प्रोड्यूस करती है। अब दोस्तों स्टार्ट करता हूँ मैं ये बाइक। आप दोस्तों देख सकते हैं कि इस बाइक का जो मीटर है अगर डिजिटल होने के साथ में आपको एनालॉग भी ये देते हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि ऑडोमीटर, स्पीडोमीटर, टैकोमीटर, टेप मीटर जैसे इस बाइक में देख सकते हैं। बाकी बेसिक से बटन आएंगे जैसे कि इंडिकेटर, हजार्ड स्विच एंड किल स्विच, ये जैसे बेसिक से बटन दिए गए हैं। बाकी इग्निशन को ऑन ऑफ का भी हो गया। साथ ही में दोस्तों मैं बता दूं इस बाइक में आपको कनेक्टिविटी का ही फीचर इस बाइक में दिया गया जिससे कि आप अपने फ़ोन को आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं, नोटिफिकेशन देख सकते हैं, मैसेज, SMS ये सब देख सकते हैं। बाकी दोस्तों आप देख सकते हैं इस बाइक के जो इंडिकेटर हैं दिखने में कुछ ऐसे हैं जो कि हैलोजन टेक्नोलॉजी के साथ में इंडिकेटर हैं। अब दोस्तों बात करते हैं बाइक के सस्पेंशन की। बैक में जो सस्पेंशन इस बाइक में दिया गया वो आपको मिल जाएगा ट्विन गियर शॉक। बाकी आगे की साइड जो सस्पेंशन आएगा वो आपको मिल जाएगा टेलीस्कोपिक। साथ ही हम दोस्तों बात करते हैं बाइक में टायर साइज की। आगे की साइड जो टायर साइज आएगा आपको मिल जाएगा 80x100 का एंड बैक में मिल जाएगा 100x90 का जो कि 17 इंच पे होता है। व्हील साइज की बात किया दोस्तों वो आपको 431.8 mm की एंड बैक में भी 431.8 mm का व्हील साइज दिया गया है। अब दोस्तों बात की जाए बाइक में ब्रेकिंग सिस्टम की। आगे जो मिल जाएगा इस बाइक में डिस्क मिल जाएगा एंड बैक में आपको मिल जाएगा डैम जो कि CBS टेक्नोलॉजी के साथ में आती है। CBS मीन्स कॉम्बी ब्रेक सिस्टम के साथ में ये बाइक है। अब मैं स्टार्ट करता हूँ ये बाइक एंड सुनाता हूँ आपको इस बाइक के एग्जॉस्ट साउंड। मुझे कमेंट में बताना पसंद आए तो। अब दोस्तों बात करते हैं बाइक की सीट हाइट की। इस बाइक की दोस्तों जो सीट हाइट है 790 mm की। बाकी मैं अभी बैठ के दिखा देता हूँ, मेरी जो हाइट है दोस्तों वो है 5'5" की है। आप देख सकते हैं वीडियो में मेरे पैर कितनी आसानी से पहुंच गए, मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई है बाइक पे बैठने के बाद। इस बाइक का दोस्तों जो वेट है वो है 142 kg का है। साथ ही हम दोस्तों बात की जाए बाइक की टॉप स्पीड की ऑन हाईवे पे वो गई दोस्तों 80-90 km/h तक गई। बाकी दोस्तों आपने इस बाइक को कितना भगाया है मुझे कमेंट में जरूर बताना। बाकी आपके पास कौन सी बाइक है वो भी मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अब दोस्तों बात करते हैं बाइक को फाइनेंस करने की। इस बाइक का दोस्तों जो एक्सशोरूम प्राइस है इंडिया रुपये में वो है दोस्तों 95,507 रुपये न्यू एडिशन का है। बाकी इसमें इंश्योरेंस एंड RTO जुड़ने के बाद ही आपको ऑन रोड पड़ती है इंडिया रुपये में 1,08,832 रुपये पड़ती है। 20,000 रुपये की डाउन पेमेंट आप देंगे तो आपकी जो EMI बनेगी 24 महीने तक वो बनेगी 4,099। बाकी 36 महीने की EMI बनेगी वो जाएगी 2,865 रुपये। रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा दोस्तों वो होगा आपका 10% का। अब दोस्तों आप सब मुझे कमेंट में बताओ कि आपके पास बजाज की कौन सी बाइक है। साथ ही दोस्तों मैंने बजाज की वीडियो और भी डाल दी जैसे कि NS160, 180, 200, NS400, बजाज फ्रीडम 125 जो कि CNG की बाइक है, आप उसको वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। अब मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।